मैं अजय सिंह तोमर हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने एक नई खबर के साथ। आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज। विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान में पुलिस अलर्ट मोड पर है। हर वाहनों को निकलते समय चेकिंग की जा रही है, जिसे कोई मादक पदार्थ, विस्फोट पदार्थ या विदेशी करेंसी वगैरह लेकर कहीं जा तो नहीं रहा है कोई संदिग्ध व्यक्ति। इसी दौरान रेलवे स्टेशनों पर भी RPF और GRP अलर्ट मोड पर है। 17 नवंबर को RPF द्वारा रानीखेत में कोच नंबर 4SE में एक बैग पाया। यात्रियों से पूछताछ की गई तो किसी ने भी अपना बैग होना नहीं बताया, जिस पर निरीक्षक मदन लाल RPF ने उस बैग को जब्त किया और स्टाफ की निगरानी के दौरान उसको खोला गया, जिसमें 19 बोतलें शराब की, अंग्रेजी शराब की पाई गई। मदन लाल ने उस बैग को जब्त कर कार्रवाई की गई। उसके उपरांत निरीक्षक मदन लाल ने बताया कि हमने आबकारी सोजत विभाग को यह इतला दे दी गई है, जिस पर उन्हें यह जब्त शराब सुपुर्द की जाएगी। तो वहीं आबकारी विभाग के अधिकारी पहुंचे रेलवे स्टेशन RPF पुलिस थाना और मदन लाल निरीक्षक ने उन्हें जब्त शराब की 19 बोतलें सुपुर्द की गई। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, यह एक फ़ोटो हम आपको दिखा रहे हैं। 19 बोतलों के साथ अंग्रेजी शराब है, जिसकी कीमत 8,455 रुपये आंकी गई है बाजारी कीमत। आप देख सकते हैं ये 19 बोतलें आपके सामने। बने रहिए मेरे साथ, दीजिए नमस्कार।